लास्ट के 3 मंथ्स आई फोकस्ड ओनली ऑन प्रीलिम्स. लास्ट टाइम जो मेरी गलती थी, मैंने मॉक टेस्ट नहीं करे, वो मैंने इस बार कोशिश करी कि मैं डेली ऑलमोस्ट एक मॉक टेस्ट करूँ. सो लास्ट टाइम मैंने 2-3 गलतियाँ करी. मैंने मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं करे. मैं रात में पढ़ने वाली स्टूडेंट थी, सुबह 6 बजे तक पढ़ेंगे, सुबह सोएंगे. सो मेरे दिमाग को आदत हो गई रात में सोने की, रात में जागने की, दिन में सोने की. सो मेरा एक्चुअल पेपर वाले दिन दिमाग नहीं चला. आई रिमेंबर पहला क्वेश्चन प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर था, एंड आई टुक 2 मिनट्स टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन. सो वो जो चीज़ थी, मुझे रियलाइज़ करी कि वो स्ट्रैटेजी, इट वॉज अ बिग ब्लंडर ऑन माई पार्ट, बिकॉज योर बॉडी हैज़ अ क्लॉक. सो लास्ट के 2 मंथ्स में आई शिफ्टेड माई इंटायर साइकिल टू मॉर्निंग. मैं सुबह 9:30 to 11:30 बैठ कर डेली रिलीजियसली एक पेपर करती थी, जैसा वहाँ करने वाली हूँ, पंखा ऑफ करके, एसी ऑफ करके, क्योंकि वहाँ पे किसी भी स्कूल में तुम होगे, जून का महीना होगा, गर्मी होगी, पंखा एसी नहीं चल रहा होगा, यू विल बी स्वेटिंग, यू विल बी टायर्ड, और तब 100 क्वेश्चंस करना बड़ा आफत का काम होता है. तो मैंने उसके लिए अपने आप को पहले से ट्रेन किया. ये चीज़ मुझे हेल्प करी प्रीलिम्स का फियर हटाने में. अगर डेली सुबह उठकर आप एक पेपर कर रहे हो, तो प्रीलिम्स वाले दिन भी आपको लगेगा यार एक सुबह उठ के पेपर ही देके आना है सिर्फ, जो मैं पिछले 30-40 दिन से कर रहा हूँ. वो मेरे कमरे में आया, कह रहा उठ भाई उठ उठ उठ. मैंने कहा क्या हो गया? बोला तेरी ऑल इंडिया रैंक 18 आई है. मैंने पहले उसका फ़ोन देखा, तो मैंने देखा मेरा नाम लिखा है, तो मेरे मन में आया कि फ़ोन को फेंक के मारूँ दीवार पर. फिर याद आया कि 40,000 रुपये का है, तो मैंने कहा रहने देता हूँ. फिर उसके बाद मैं कमरे से बाहर गया, तो अपने पापा को फ़ोन करा पहले, और जब मेरे पापा ने पूछा कि 18th रैंक, तो उन्होंने बोला कि मतलब मैं इमोशनल हो गया, एकदम रोने लगा. तो मैं फ़ोन काट के थोड़ी देर रोया, तो अकेले में रोने में ज़्यादा मज़ा आता है. तो लेकिन जो आप अपनी फैमिली में देखते हो, मेरे घर पे सब रोए, तो मतलब एक लगता है कि हाँ ठीक है, चलो कुछ कुछ किसी चीज़ को हम अपनी लाइफ में कह सकते हैं कि एक अचीवमेंट है.